इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपने बहुत नाम सुना होगा, हजारों सलाम हो उन पर, बहुत बड़े मोहसिन उम्मत के। रात में मामूल बना लिया था उन्होंने, पूरी रात अक्सर इबादत करते थे। अजीब हिम्मत थी और अल्लाह से ताल्लुक था। अपने मकान की छत पर अकेले लंबी नमाजें पढ़ते थे, रो रो के तिलावत करते थे और अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ाते थे। उनके मकान की से मिला हुआ मकान एक ऐसे शख्स का था जो बेचारा गरीब आदमी था और मोची था। मोची, मोची समझते हैं, जूतों की मरम्मत करने का कारोबार था बेचारे का, छोटा मोटा काम था। तो रोज कमाता था, कुछ पैसे मिलते थे उसको। अब वो भी बेचारा कुछ आदि हो गया था नशे का, तो चोरी छुपे उस दौर में भी कहीं ना कहीं शराब मिल जाती थी, तो वो उसी पैसों से शराब खरीदता था। और दिन में तो बेचारा अपना पेशा करता था, काम करता था, रात में शराब के नशे में धुत होकर कुछ गीत गाता था, गाने गाता था, अशआर पढ़ता था, जब तक नींद ना आए ऐसी ही हरकतें करता रहता। इमाम साहब ने बिल्कुल पड़ोस में होने के बावजूद कभी नहीं टोका। एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल आवाज नहीं आई और रात भर सन्नाटा रहा, तो इमाम साहब को फिक्र हुई कि मेरा पड़ोसी है, क्या बात है आज, तो बीमार तो नहीं पड़ गया। उस शराबी पड़ोसी के घर गए पूरी उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े अल्लाह वाले इमाम आजम उस घर के दरवाजे पर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से कोई निकले लोग। इमाम साहब को देखकर हैरान रह गए, अरे आप, फरमाइए क्या बात। तो उनका भाई वहां उस शख्स की कोई आवाज नहीं आई पूरी रात, तो मैं जरा फिक्रमंद हुआ कुछ बीमार वीमार तो नहीं हो गया कोई, और मेरी खिदमत, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो घर वालों ने कहा कि इमाम साहब अब इंशाल्लाह उसकी आवाज नहीं आएगी, आप भी बहुत परेशान हो लिए और हम भी परेशान होते थे, अब नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा हम लोग उससे बहुत तंग आ चुके थे, न खुद सोता था न हमें सोने देता था। हमने आज उसकी रिपोर्ट लिखाई थी, सरकारी पुलिस आई और उसको गिरफ्तार करके ले गई, अब वो जेल में रहेगा। उस जमाने की जेलों में इस्लाह की मेहनत होती थी, आते थे लोग जराइम करके, निकलते थे लोग नेक बन के, तो अब वो जेल में रहेगा इंशाल्लाह, वहां से सुधर के आएगा। इमाम साहब कुछ नहीं बोले, खामोश हो गए, वापस चले गए। अगला दिन गुजरा, इमाम साहब की अपनी इल्मी मशगूलियात, फिर रात आई। अब अगली रात में जब दिन आया, नहीं दिन ही में, पहली रात गुजरने के बाद दिन में, इमाम साहब चुपचाप शहर के हाकिम के पास गए, जैसे जिले का कलेक्टर होता है उसके पास गए। उसने दूर से इमाम साहब को आते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ, तोड़ के उसने इस्तकबाल किया, शिकायत की कि इमाम साहब आप खुद क्यों तशरीफ लाए, आप मुझे इशारा कर देते मैं आ जाता, किसी से कहलवा देते, सर के बल हाजिर होता। वो कलेक्टर जानता था कि ये वो बंदा है कि जो पूरे आलम इस्लाम के खलीफा के पास भी नहीं जाता, खलीफा ही इनके पास आते हैं, ये मेरे पास आप क्यों तशरीफ लाए। तो इमाम साहब ने कहा कि देखो जिसकी जिसका काम होता है उसी को जाना चाहिए। तो वो और हैरान हुआ कि आपका काम और मुझसे,
हुक्म फरमाइए, बताइए क्या काम है, मैं हैरान हूं। तो उस इमाम साहब ने कहा कि भाई एक मेरा पड़ोसी है, ये हुलिया है, ये नाम है, मुझे पता चला है कि आपने उसको गिरफ्तार करवाया है, जेल में भेजा है। तो उसने तहकीक करवा के अपने उनसे कहा, हाँ बिल्कुल सही है, वो गिरफ्तार हुआ रात और जेल में है। तो इमाम साहब ने कहा कि क्या आप मेरी जमानत पर उसको छोड़ सकते हैं? तो उस शख्स ने कहा कि इमाम साहब आपको शायद पता नहीं है, वो बहुत शराबी कबाबी आदमी है, घर वाले परेशान हैं। तो इमाम साहब ने कहा मुझे सब मालूम है, फिर भी आप मेरी जमानत पर उसको छोड़ दें तो बड़ी इनायत हो। तो उस कलेक्टर ने कहा कि इमाम साहब आप कैसी बात फरमा रहे हैं, आपका हर जुमला हुक्म है, आपका फतवा मुल्क का कानून होता है, तो मुझे क्या इश्काल है, आप तशरीफ ले चाहिए घर, मैं भेजता हूं उसको। इमाम साहब ने कहा कि नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊं। बैठ गए इमाम साहब, उसने बुलवाया उसको और वो आ गया। वो देख के शर्मिंदा हो गया, सर झुक गया, वो समझा कि पता नहीं इमाम साहब मेरी क्या शिकायत करने आए हैं, क्या मामला है। हाकिम ने कहा जाओ, उनको रिहा किया जाता है। इमाम साहब उठे और उसको साथ लेके चल दिए। पूरे रास्ते एक जुमले की नसीहत इमाम साहब ने की हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, कुछ नहीं कहा, खामोश उसको लेकर उसको उसके घर पहुंचाया, अपने घर में दाखिल हो गए। फिर दिन का बकिया हिस्सा गुजरा, फिर रात आई, अगली रात में फिर सन्नाटा, फिर कोई आवाज नहीं। इमाम साहब तो इंतजार कर रहे थे कि फिर आज शोर मचेगा। तो जब दूसरी रात में फिर सन्नाटा रहा तो इमाम साहब अगली सुबह को फिर पहुंचे उसके घर। आज जो दस्तक दी और अंदर से लोग निकले तो इमाम साहब ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, बाकी लोग तो सो रहे हैं लेकिन वो खुदा का बंदा जा नमाज पर खड़ा हुआ रो रहा है। इमाम साहब इंतजार में रहे, उसने सलाम फेरा, दौड़ के आया। इमाम साहब ने कहा मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूं, आज भी कोई आवाज नहीं आई, मुझे डर लगा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक फिर तो नहीं कर दिया। तो उसने कहा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कबीरा, पूरी उम्मत के इमाम आजम की मोहब्बत के नशे के बाद अब मुझ कमीने को शराब के नशे की कोई जरूरत नहीं, आपने अपनी मोहब्बत का जो नशा मुझे पिलाया है, जिस इज्जत से आपने मुझ जैसे गुनहगार की फिक्र की है, मैं अब तक नशा क्यों पीता था, मैं शराब क्यों पीता था, सिर्फ इसलिए कि मैं शहर का इंतहाई गरीब और हकीर समझा जाने वाला इंसान था, हर एक मुझे जलील समझता था और मैं अपनी जिल्लत के गम का बोझ हल्का करने के लिए रात में शराब पीता था, अब कहां मैं जलील, क्या मुझसे बढ़कर भी पूरे आलम इस्लाम में कोई इज्जत वाला शख्स है, अब मुझे शराब की क्या जरूरत है। लोगों यह है दीन की मेहनत, यह है इकराम मुस्लिम, यह है दीनदारी, यह है अखलाक जिसके जरिए से उम्मत जुड़ती थी। असल मुसीबत आज उन लोगों की खराबी नहीं है जिनको हम दुनियादार समझते हैं, आज की असल मुसीबत जो है वो हम झूठे और खोटे दीनदारों की झूठी दीनदारी है, यह है असल मसला। और ये जब तक हम किसी अल्लाह वाले के हवाले अपने आप को नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं मिटाएंगे, नए सिरे से दीन को नहीं सीखेंगे, हम किसी के शागिर्द नहीं बनेंगे, हम अपना तकब्बुर नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम वाकई किसी दिल वाले से अपने दिल की इस्लाह नहीं कराएंगे, तब तक हकीकी और मुकम्मल दीनदारी नहीं आ सकती, और तब तक वही झूठी वाली दीनदारी, वही अधूरी दीनदारी जिसके जोम में हम फंसे हुए हैं और जिसकी वजह से हमारी तरक्की नहीं हो पा रही, तब तक हम उसी में लगे रहेंगे। दुआ है कि रमजान मुबारक के अशर अखीरा की इन रातों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला अपने करम से हमें ये झूठी दीनदारी से सच्ची तौबा अता फरमाए। गुनाहों से तौबा कर चुके, अब झूठी दीनदारी से तौबा करो।
सूरज शक्ल बना लेते हैं हम बड़े बुजुर्गों की, और अल्लाह जाने अंदर क्या होता है। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है। लोगों, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, हो सकता है कि सबसे बड़ा मुजरिम मैं खुद हूं। असली दीनदारी जिसमें तवाज़ो, सखावत, ईसार, हमदर्दी, वालिदैन की खिदमत, यह दीनदारी। क्या कभी किसी को यह तौफीक होती है कि रात में सोते वक्त वो अपने अब्बू जी के पास जाए, अपनी अम्मी के पास जाए, अम्मी जरा सर में तेल लगाने आया हूं, आपके सर में तेल लगा दूं, आपके मैं पैर दबा दूं, अम्मी आपने बड़ी मुश्किल से हम लोगों को पाला है, अम्मी दिन भर आप हमें हमारे कामों में लगी रहती हैं, जरा सा सर दबवा लीजिए, जरा सा मुझे खिदमत का मौका दे दीजिए। माँ हजारों सलंग उसकी मोहब्बत पर, नहीं नहीं बेटा बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है। अजीब बात है, क्या है माँ, हमने माँ का की कदर करने के लिए उसका इंतकाल हो जाने की आदत डाल ली है। हम तब कदर करते हैं जब मां का जनाजा घर से निकलता है, और तब पता चलता है गई पुरखलूस मोहब्बत करने वाली हस्ती गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े इमाम, जिस दिन इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ उसी दिन इमाम शाफी पैदा हुए। जिंदगी भर का उनका मामूल था कि रात में सोने से पहले वो अपनी वालदा के पास जाते थे और अपनी माँ का सर दबाना, सर में तेल लगाना, खिदमत करना, और आखिर में चलते चलते उनके पैरों के तलवे चाटते थे, अपनी जुबान से चाटते थे। माँ कहती थी, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े आलिम होकर मेरे पैर चाट रहे हो, तलवे चाट रहे हो। तो वो कहते थे कि अम्मा मैं आपके तलवे नहीं चाट रहा, आकाए मदीना ने यह कहा है कि जन्नत माओं के पैरों के नीचे होती है, मैं तो अपनी जन्नत चाट रहा हूं, मुझे इससे महरूम न कीजिए। ये करोगे इंशाल्लाह, ये है काम करने के। फिर देखना वो जो मां की दुआ मिलेगी तुमको, उससे कारोबार के दरवाजे भी बंद दरवाजे खुलेंगे, उससे बीमारियां दूर होंगी, उससे दीन और दुनिया दोनों में तरक्की होगी। अजीब मुसीबत है, मैं क्या इस बात में बात निकलती है, जिनको हम बुजुर्ग समझते हैं उनसे दुआ कराने का मामूल है, और वो भी अजीब मामूल है। हर शख्स मिलते ही कहता है खास दुआ कीजिएगा, खास दुआ कीजिएगा, मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा। अच्छा भाई, आम दुआ किसके लिए करें? आप हमारे खास आदमी हो, जिंदगी में पहली और आखिरी बार देखा है आपको, और आप कह रहे खास दुआ कीजिए, काहे के लिए खास दुआ करें? क्या रिश्ता है हमारा आपका खास? आज आप सोच रहे होंगे हजरत का मूड क्या है, अभी तो मैं डंडा लेके नहीं आया हूं, इसकी भी जरूरत है। हजरत उमर के जमाने में कोड़े की जरूरत पड़ गई थी, तो इस जमाने में डंडे के बगैर काम चलेगा? खास दुआ कीजिए। अरे क्या यार, उलमा से पूछो कि कभी साहबा इस तरह हुजूर से दुआ की दरख्वास्त करते थे? ये सब रस्म है, बनावट है, बनावट। अजीब बात, अपनी मां से कभी दुआ की दरख्वास्त किए तुमने? हजार बुजुर्ग एक तरफ और मां एक तरफ, अपनी मां से दुआ कराओ। यहां से वापस जाने के बाद अगर मुतकिफ हो तो जाओ और सबसे पहले अपनी मां के कदमों को चूमो, मां की दस्तबोसी करो, और मां से कहो कि मैं, हमने आपका मुकाम नहीं पहचाना, पहले तो माफ कर दीजिए, और दूसरी बात यह है अभी इसी वक्त अपने आंचल फैलाकर मेरी हिदायत और मगफरत की दुआ कर दीजिए। मां क्या चीज है जानते हो? अगर बारिश रुकी हुई हो और तुम अपनी मां के वास्ते से दुआ मांग दो, तो मैं तुमको यकीन दिलाता हूं अल्लाह बारिश भेज देंगे। मां ऐसी हस्ती है, हमने अपनी माओ की कदर नहीं जानी। ये सब झूठी दीनदारी है, ये झूठी दीनदारी की कमियां हैं। झूठी दीनदारी वाला तो मां से बदतमीजी से बात कर लेता है, उलट के जवाब दे देता है, ऊंची आवाज में बात कर लेता है। दीनदार है वो, मस्जिद की जमात का जिम्मेदार है,
और मां का दिल दुखाता है, ये झूठी दीनदारी। अल्लाह करे कि ये बात जो आज मैंने कही है ये दिल में बैठे, और ये आप अपनी डायरी में नोट करें, भूल ना जाएं, और बाद में अपनी दीनदारी को इसकी रोशनी में मुकम्मल करें। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। आज कोई इज्तिमाई दुआ नहीं होगी, कोई इज्तिमाई दुआ रस्म नहीं है, मैं रस्मों के मिटाने की कोशिश करता हूं। आज इज्तिमाई दुआ जुमे में हो चुकी, दुआ मजलिस की पढ़ लीजिए और उठ जाइए, और फिर इंफरादी आमाल कुछ करने हो करिए। सुभानअल्लाह वबिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।